is over. Before you know you're older, so sober, a loner. Bitch, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. Bitch, you getting nothing, Joker. Get down. हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और काफ़ी दिनों के बाद टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स नूब टू प्रो वाली वीडियो आ चुकी है। और मुझे पता है कि यार काफ़ी लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, बिकॉज उन लोगों का पबजी भी चल रहा है और वो लोग इस चैनल पे वीडियोज़ भी नहीं देख पा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मैंने वीडियोज़ आना बंद कर दिया था, थोड़ा सा बिजी था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और आज वापस ये वीडियो आ चुकी है और मुझे खुद भी खुशी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है वीडियो, हर बार लोग इसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। एंड आई होप कि आज भी जो ये वीडियो देख रहा है फटाफट से लाइक बटन पर क्लिक कर दिया होगा अभी तक, और नहीं किया है तो कर दो गाइस लाइक बटन पे क्लिक, और अगर कोई चैनल पे नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दो, बिकॉज बहुत ही ऑसम वीडियोस आती है चैनल पे। और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी अच्छी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, आपको पबजी की जो अनबैन कन्फर्म डेट है वो भी पता लग जाएगी। थोड़ा सा दुख भी होगा जान के कन्फर्म डेट, क्योंकि थोड़ी सी लेट है वो, बट या मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। और इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। सो विदाउट एनी मोर टाइम, लेट्स डू दिस। पॉइंट नंबर वन, जब भी आप किसी 1v1 फाइट लेते हैं क्लोज में, इतना फ्री फायर दो, इतना फ्री फायर दो ताकि वो बंदा लिटरली डर जाए और अंदर आने से पहले वो बंदा नॉक हो जाए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ फ्री फायर का फ़ायदा, कि 1v1 में जब आप फ्री फायर देते हो ना, तो आपकी 15 से 20 गोलियां भी आप फ्री फायर में निकाल सकते हो अगर आपके पास 40 गोलियां हैं तो, क्योंकि एक बंदे को टेक डाउन करने के लिए 5 से 7 गोलियां काफ़ी होती है अगर आप प्रॉपर हिट करते हो तो। तो सबसे पहली चीज़, जब भी 1v1 फाइट लो तो एक तो एडीएस ओपन मत करना, ये बात तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, पहली वीडियो से बोल रहा हूँ, ठीक है, और अभी तो बहुत आगे तक हमारे पार्ट्स आ चुके हैं। और दूसरी चीज़, इतना फ्री फायर दो मतलब बंदा लिटरली या तो अंदर ही ना आए डर के मारे, या फिर वो लिटरली डर जाए और वो एम भी ना कर पाए। तो हर बार ऐसा होता है कि अगर मेरे सामने भी काफ़ी अच्छे बंदे आ जाते हैं ना, और वो इतना फ्री फायर देते हैं कि मुझे पीक करने में भी डर लगता है, मुझे उस घर उस विंडो से या उस डोर से अंदर जाने में इतना डर लगता है कि यार मैं नॉक हो जाऊँगा। और लिटरली गाइस फिर उसके बाद एम नहीं हो पाता, मैं देख नहीं पाता बंदा किधर है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्री फायर देता है। तो आप भी कम से कम 40 गोलियां हैं अगर आपके पास, तो 25 गोलियों तक फ्री फायर दे सकते हो। 15 गोलियां इज इनफ टू टेक डाउन मतलब एक बंदा आप गिराने के लिए, 15 गोलियां काफ़ी होती है। सो यहाँ पे आप एक 1v2 का एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे देखो स्लो मोशन में मैं बंदे से इतना दूर क्यों रहता हूँ, मैं चाहता तो सीधा भी भाग सकता था, मुझे अपने हिप फायर पे भरोसा है, ठीक है, और मेरे हाथ में कोई भी गन हो मुझे पता है कि मैं हिप फायर अच्छा दे सकता हूँ दूर से, और सामने वाला एडीएस ओपन कर लेगा इतनी सी रेंज में। तो फ़ायदा किसको हुआ, मेरा, क्योंकि मैं हिप फायर देके जिगल दे सकता हूँ, और सामने वाले ने अगर एडीएस ओपन कर लिया तो मुझे बहुत कम हिट होगा। बट स्टिल इस बंदे ने मुझे 1 HP कर दिया था, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा खेल रहा था, ठीक है, ये देख सकते हो आप मुझे कितनी गोलियां लगी, और मैंने काफ़ी हिप फायर देने की कोशिश की, और देखो वो बंदा मैंने नॉकआउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे वाले बंदे ने मुझे 1 HP कर दिया, और मैं यहाँ पे इजीली कवर में आ गया, बट स्टिल मैं डरा नहीं, मैंने यहाँ पे फटाफट से गन चेंज की। मैं डरा इसलिए नहीं, बिकॉज मुझे पता था कि यार उस बंदे को समझ में नहीं आएगा क्या करना है, बिकॉज वो बंदा पैनिक था, हम 4 ही थे यहाँ पे उसके सामने और वो अकेला था, इसलिए उसको समझ में नहीं आएगा कि लेफ्ट से देखो या राइट से, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डरा, ठीक है, और मेरे टीममेट्स भी मेरे साथ थे तो यार वहाँ पे डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने इस बंदे को कन्फर्म करा और थोड़ा सा पीछे देखा, और जैसे वो बंदा निकला मैं वापस से पीछे मुड़ के जंप एंड फायर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखना, मैंने कवर में आया, मैं यहाँ पे सीधा जंप एंड फायर करता हूँ, बट मेरा एम खराब हो जाता है, ये देखो यहाँ पे ऊपर चला गया मेरा एम, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अभी काफ़ी दिनों बाद खेला हूँ तो प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे वो बंदा कवर में गया और मैंने यहाँ पे अपना प्री फायर नहीं छोड़ा, आप देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप कवर में ना आ जाओ अपना प्री फायर बंद नहीं करना है, आपको फायर ही बंद नहीं करना है जब तक आपको लगे ना कि हाँ मैं सेफ नहीं हूँ, अब तक जब तक आपको फायर बंद नहीं करना। और यहाँ पर मैंने बहुत ईजिली इन दोनों बंदों को नॉकआउट कर दिया। पॉइंट नंबर टू, वाई एम ट्रांसफर प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है एम ट्रांसफर की प्रैक्टिस करना। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हर बार जरूरी है कि दोनों बंदे आपके एकदम स्ट्रेट आए और आपके लाइन ऑफ फायर में आ जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं होता हर बार, कई बार बंदा लेफ्ट आ जाता है, कई बार बंदा राइट आ जाता है। और मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार स्लो मोशन में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो मेरे सामने दोनों बंदे थे, एक आप पीछे भी देख सकते हो और एक यहाँ पे भी, बट पीछे वाला अभी तक निकला नहीं है बाहर। और यहाँ पे देखो मैंने पहले बंदे को डैमेज देने की कोशिश की, मुझे लगा कि ये मर गया, बट यार ये नहीं मरा, ठीक है। तो मैं आगे जाके वापस से इस पर फायर करता हूँ, ठीक है, और इसे ईजिली नॉकआउट कर देता हूँ, इसे एक हेड लगता है और तुरंत एक बंदा पीछे से निकलता है, और मैं अपना एम शिफ्ट करता हूँ तुरंत अपना हिप फायर, और सीधा वो 1 HP का होता है बिकॉज उसने हील नहीं किया, वो पहले नॉकआउट हो चुका था, और उसे ईजिली मार देता हूँ। तो एम ट्रांसफर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिप फायर से।
तो जितनी भी आपने ट्रेनिंग और ड्रिल्स देखी होंगी उसमें मैंने बताया कि ADS ओपन करके कैसे एम ट्रांसफर किया जाता है। बट गाइज स्टिल आप हिप फायर से भी एम ट्रांसफर की प्रैक्टिस करो, जो भी टारगेट्स होते हैं उनके पास जाए खड़े हो जाओ, अपना एम ट्रांसफर करो हिप फायर से भी, मैंने वो भी बताया हुआ अपनी ट्रेनिंग ड्रिल्स में, आप जाके फॉलो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, जिगल करते हुए हेडशॉट्स देना इज लाइक मतलब अब तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब भी अगर आपने ये नहीं सीखा है तो आप मतलब समझ लो कि इस गेम में आप बहुत पीछे हो अभी तक, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ जिगल करते हुए हेडशॉट्स कैसे दिए जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है तो आपको यार गाइस पर्टिकुलर वीडियो देखनी पड़ेगी, बट स्टिल मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो आप, मेरा क्रॉसर प्लेसमेंट बिल्कुल बंदे पे रहता है ऑलवेज, बंदा चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, और यहाँ पे मैंने एक बंदा इजीली डाउन कर दिया, दूसरा बंदा खिड़की से जंप करके पीछे से निकलेगा, उसको देखना मैं कितने हेड देता हूँ। यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि रेड क्रॉस मार्कर जो आता है वो हेड शॉट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैं उसको कैसे हेड शॉट देता हूँ। अब वो बंदा यहाँ पे अपनी DP रिलोड कर रहा था, बट वो बंदा चालाक था, वो कवर में गया, उसने गन चेंज करी और वो मुझे मारने वापस आएगा देखना। और मैं यहाँ पे देता हूँ उसे हेडशॉट, तो यहाँ पे एक रेड मार्कर आया, इजीली उसको एक हेड लगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यार एक हेड मार दोगे ना, एक हेड ओनली, और बाकी बॉडी भी मारते रहो, इट डजेंट मैटर, एक हेड मार दो, बाकी आप दो बॉडी मारोगे, बंदा इजीली टेक डाउन है। और अगर आपको जिगल करते हुए सब नहीं आता है तो यू शुड प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस, और उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट कोई भी वीडियो अगर आपको जाननी हो, मैंने यार गाइज एवरी टॉपिक कवर किया हुआ अपने चैनल पे, अगर आपको कुछ भी जानना हो, जैसे आपको हाउ टू जिगल देखना है, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है जिगल पॉटर गेमिंग और आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। आपको देखना हेडशॉट तो हेडशॉट पॉटर गेमिंग, वो वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगी। आपको देखना जंप एंड शूट, प्रोन एंड शूट, कुछ भी देखना है आपको तो जस्ट आपको यही सर्च करना है और साथ में लिख देना है पॉटर गेमिंग, और चीज़ आपको टॉप पे मिलेगी एवरी टाइम। तो अब बात कर लेते हैं PUBG अनबैन कन्फर्म डेट के बारे में। तो गाइज मैंने अभी रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट की है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, मैंने एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, एक वीडियो का लिंक, अगर आप उस वीडियो को देखोगे जाके तो उसमें आपको पता लगेगी एक अनबैन की कन्फर्म डेट, बिकॉज वो एक न्यूज़ चैनल है और उन्होंने अभी ओपन किया, और डेफिनेटली आपको वो न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो गाइज अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब भी करना और वो वीडियो को लाइक भी करना। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल रखी है, कम्युनिटी पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जाके मेरे चैनल पर डायरेक्ट कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हो। लूंगा लूंगा लूंगा, बस मार लेगा। पॉइंट नंबर 4, 1v1 फाइट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 1v1 फाइट में काफ़ी सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो गाइज अगर आप 1v1 फाइट में पैनिक हो रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब पैनिक ना हो ऐसा क्या कर सकते हो आप, गाइज अपने क्रॉसियर पे एकदम भरोसा रखो, या फिर अगर भरोसा नहीं है तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करो अपने क्रॉसियर की, ताकि आप इजीली फाइट्स निकाल सको। अब देखो मेरे यहाँ जो क्रॉसियर है वो मैं ऑलवेज जो गेट है और जो विंडोज़ है उनके सेंटर में रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि उस बंदे को मार सको, और कवर में भी आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरी गलती क्या हो रही है कि मैं TP भी लेने के चक्कर में अपने क्रॉसर को उसके हेड पे नहीं रख रहा है, उसकी वेस्ट पे जा रही है मेरी सारी गोलियां, आप देख सकते हो, वरना उसको मैं पहले ही फायर में टेक डाउन कर सकता था, बट अगर मैं हेड पे रखता तो यहाँ पे मैं हेड पे नहीं रख पाया, वो मेरी गलती थी। तो यहाँ पे मुझे भी इस चीज़ को इम्प्रूव करना, और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि अपने क्रॉसर की प्रैक्टिस करो अगर 1v1 फाइट ईजिली निकालना चाहते हो तो। जल्दी दे जल्दी दे, आगे बाहर रहा है, चलो मार लूं। पॉइंट नंबर 5, डुओ वर्सेस स्क्वाड बहुत सारे लोग खेलते हैं, क्योंकि उनको क्लिप्स चाहिए होती हैं, उनको अच्छे क्लचेस चाहिए होते हैं, बिकॉज वो सारी चीज़ें यार स्क्वाड में नहीं मिलती हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम भी डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं कभी कभी, ताकि कुछ अच्छी क्लिप्स मिल जाए, ताकि हम क्लच कर पाएँ, हम खुद को भी शो कर पाएँ और आपको भी दिखा पाएँ, और अगर स्क्वाड खेलते तो वो सारे क्लचेस नहीं मिल पाते। अब डुओ स्क्वाड का मैं आपको एक सीन बता देता हूँ, जो लोग डुओ स्क्वाड खेलते हैं उन लोगों के लिए, कि हमेशा अपने पार्टनर के साथ और अपने पार्टनर को एक एक कॉल दे के ही चलना। अब देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ, मैं नीचे नहीं जा रहा था, ठीक है, मेरा टीममेट वहाँ पे खिड़की के पास खड़ा हुआ, मैं यहाँ पे आके रुका, और जैसे उसने बोला चल ठीक है जंप कर और मार उसको, तो वैसे मैं यहाँ से बाहर निकला और वो बाहर से कूदा, उसने उसे मार दिया और मैंने भी अंदर से उसे डैमेज देने की कोशिश की, और यहाँ पे सारा का सारा गेम हमने साथ में निकाला। अब मारे चिराग को
सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन पे भी क्लिक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, एज वेल एज कम्युनिटी पोस्ट को भी चेकआउट कर लेना बिकॉज वहाँ पे आपको पता लगने वाली अनबैंड डेट। सो या मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन बी सेफ, माय नेम इज अर्पित एंड आई एम साइनिंग आउट।